हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8:20 से। तो यहाँ पे मैं सारा काम वगैरह फिनिश करने के बाद जो कपड़े रखे थे प्रेस के, उन पे प्रेस कर रही हूँ। और फिर उसके बाद डिनर वगैरह, डिनर कह रही हूँ, लंच की तैयारी करेंगे। तो बस वही है। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और हम भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो इस वक्त टाइम हो रहा है 8:20, सुबह के 8:20 हो रहे हैं। काम मेरा सारा फिनिश हो चुका है और कपड़े वगैरह मैं सब छत पे सुखा के आ चुकी हूँ। झाड़ू पोछा सारा काम हो चुका है। आटा वगैरह मैं मांड के रख लिया है। चाय शाय हमने पी ली है। अब सिर्फ लंच बनेगा। तो और जिसके लिए मैंने रात को ही गोभी कट करके रख ली थी और दो वॉश करके रख ली थी। बनाऊंगी गोभी के पराठे। तो वो सब मैंने करके रख लिया है। बस उसको मैंने अभी कद्दूकस नहीं किया है, तो मैं उसे चॉपर में ही करूँगी। तो ज़्यादा मेरा काम है नहीं, क्योंकि कट मैंने कर दी थी अच्छे से साफ करके। तो अब मेरा कोई फिलहाल काम नहीं है, तो मैंने सोचा चलो ये कपड़े प्रेस के पड़े हैं, इनको प्रेस करके रख देते हैं। तो मैंने स्टॉल पे भी प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि ना थोड़ी थोड़ी सी सलवट आ जाती है यहाँ कॉर्नर पे, तो मैं इसलिए कर लेती हूँ इन पे भी प्रेस। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है कृति नागर। मैं फरीदाबाद के एक छोटे से गाँव से, छोटा सा गाँव कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, कॉलोनी टाइप का है ये, गाँव ही कह लीजिए यार इसे आप, क्योंकि गांव ही है ये। तो फरीदाबाद से ही मैं आपके साथ ब्लॉग शेयर करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे लगते हों। तो अच्छे लगते हैं या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो ये कर लेते हैं हम तब तक प्रेस, तब तक आप वीडियो एंजॉय कीजिए। कि मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया था, मैंने रात को ही गोभी को कट करके रख लिया था और पानी में डिप करके रख दिया था। सुबह मैंने पानी में से निकाल लिया था इनको। अब बस मैं इसको चॉपर में अच्छे से
चॉप कर लूँगी। और चॉपर का ये फ़ायदा है कि बहुत अच्छे से फाइन चॉप हो जाता है, मतलब एकदम जैसे कद्दूकस करते हैं ना सेम वो हो जाता है, और सारा काम बहुत इजीली झटपट हो जाता है। कभी कभी तो मैं गाजर के हलवे के लिए इसका भी यूज़ करती हूँ। जैसे एक रेसिपी इस तरीके से भी शेयर किया है ना मैंने कुकर वाला, और एक तरीका यह है कि मैं चॉपर में इस तरीके से गाजर को कद्दूकस की तरह मतलब चॉप कर लेती हूँ, एकदम चॉप कर लेती हूँ, और उसके बाद उसको सीधा कढ़ाई में बनने के लिए रख देती हूँ। और एक तरीका मैंने आपके साथ कुकर वाला शेयर किया है। जो भी तरीका आपको ईजी लगे आप वो कर सकते हैं। अगर आपके पास चॉपर नहीं है कुकर, तो सबके घर में इजीली होता है, तो आप वो तरीका आजमा सकते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने गोभी को अच्छे से चॉप कर लिया है। इसमें जो भी मुझे बेसिक मसाले हैं मुझे डालने हैं वो सब मैं डालूंगी। आटा जो मैंने पराठों के लिए लगा के रखा है ना, उसमें मैंने अजवाइन डाल दी थी आटे में ही, और नमक डाल लिया था आटे में। और इसमें मैं लहसुन डालूंगी और हरी मिर्च डालूंगी, लाल मिर्च, थोड़ा सा गर्म मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर, ये सब मैं डाल दूंगी, और उसके बाद अच्छे से इसको मिक्स कर दूंगी, और फिर हम बनाएंगे पराठे। तो आप भी आ जाइए गर्मा गर्म गोभी के पराठे खाने के लिए, और साथ में होगी जीरा वाली छाछ जो होती है ना छाए, वो होगी। तो जी आप भी आ जाइए गोभी के परांठे और छाए ले लीजिए, खा लीजिए गर्मा गर्म। और इसके बाद यहाँ पे हम आ गए हैं शाम की क्लिपिंग पे, मतलब शाम का ये टाइम है। मैं चाय रख रही थी बनने के लिए, तो उससे पहले मैंने दूध के पतीले को खाली करना स्टार्ट कर दिया। तो दूध को मैंने एक अलग बर्तन में निकाल लिया है, और जो इसमें मलाई लगी हुई है ना, वो जो मैं बाउल जिसमें मलाई इकट्ठी करती हूँ, सारी मलाई को अच्छे से चम्मच की हेल्प से खुरच खुरच के छुटा के मैं इस बाउल में इकट्ठा कर लूँगी। और जब ये बाउल अच्छे से भर जाएगा, फिर से हम वही अपना पुराना वाला प्रोसेस, घी निकालेंगे और इससे हम अपना खोया भी बना लेंगे, और फिर कुछ रेसिपी शेयर करेंगे इसी खोए से आपके साथ। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगे। तो हे गाइस, मैंने अभी ना दूध रखा था ना, उसमें से मलाई निकाल के अलग कर दी है, और जमाने के लिए दूध को मैंने अलग कर लिया है। और ये सुबह की थोड़ी सी स्टफिंग बच गई थी गोभी की, ये थोड़ी सी बच गई थी, तो सोच रही इसकी दो रोटी दो रोटी बन जाएंगी। आटा मैंने मांड के रख लिया, दूध मुझे बॉइल करना है, तो दूध भी मैं निकाल लेती हूँ। पहले हम उतार लेते हैं पतीला, उतार लिया है।
लिया हमने पतीला भी, और रखते हैं इधर छोटी वाली, इस पर बर्नर पर रख देती हूँ दूध, उस पर बना लेते हैं हम रोटी। ठीक है, तो कर लेते हैं हम ये वाला काम भी शुरू। और ये गए हैं दिल्ली, अभी इनको टाइम लगेगा, मायापुरी जाना है इन्हें दिल्ली में, तो किसी काम से गए हैं। तो घर से कुछ सामान भी मंगाना था, क्या सामान मंगाना है मैं आपके साथ शेयर करूँगी, मेरे मम्मी तो वो मैं आपके साथ सब चीज़ें शेयर करूँगी। गांव से गुड़ भी आया है तो गुड़ भी लेके आएंगे, गुड़ और शक्कर। और ना मैंने ना मेकअप ब्रशेज, फाउंडेशन मेकअप ब्रशेज हैं मेरे दो, वो मेरे वहीं पर डिलीवर हुए थे ऑनलाइन, तो वो भी वहीं पर है। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं ऑनलाइन का कुछ भी डिलीवरी देती हूँ ना तो जल्दी से रिसीव नहीं होती है मुझे, तो वो भी मैंने वहीं पे किया था। इवन मैंने जो मेरे यूट्यूब से मेरा जो पिन आया था वो भी मैंने अपने वहीं पे उसी घर के एड्रेस पे, दिल्ली के एड्रेस पे मंगाया था, क्योंकि यहाँ पे डाकिया ना जल्दी से आते नहीं है। क्योंकि मैंने इनसे पूछा था कि यहाँ पे अगर मैं पिन मंगाऊंगी तो क्या कुरियर आ जाएगा, तो इन्होंने कहा था कि नहीं यहाँ पे जल्दी से नहीं आता है, रिटर्न चले जाते हैं, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी। इस वजह से मैंने जो भी अपना कुछ ऐसा मुझे पार्सल मंगाना होता है ना वो मैं अपने घर के दिल्ली के एड्रेस पे मंगाती हूँ। हाँ, जो अमेजोन वगैरह से अगर कुछ मंगाना होता है वो मैं यहाँ पे मंगा लेती हूँ पहले, क्योंकि उसमें शो हो जाता है कि डिलीवरी होगी या नहीं होगी, उनके जो फील्ड वाले जो बॉय होते हैं, फील्ड बॉय, वो यहाँ पे देंगे या नहीं देंगे तो उसमें शो हो जाता है, तो इसलिए मैं वो कर लेती हूँ। और जिनका होता है ना कि यहाँ शो नहीं होगा, दिल्ली के एड्रेस पे शो होगा, तो मैं उनको वहाँ पे मंगा लेती हूँ, तो मैं ये करती हूँ। चलो दूध रख देती हूँ मैं फटाफट से जल्दी से, और मंदिर में बज रहा है घंटा, मुझे लगा कोई है। 10:30 हो चुके हैं और ये अभी तक आए नहीं है, अभी मैंने फ़ोन किया तो अभी ये बड़कल मोड़ पर हैं, और अभी बारिश हो रही थी, बारिश बंद है, अचानक से हुई सडनली, अब बारिश बंद हो चुकी है। मैंने यहाँ पे चादर डाल दी थी चाल के ऊपर, और सब सो रहे हैं, नीचे भी सब सो चुके हैं, आस पड़ोस में भी सब सो चुके हैं, बस मैं वेट कर रही हूँ इनका अभी, तो आ जाएंगे, क्योंकि अभी दूध वगैरह सब, दूध खाना वगैरह सब बाहर रखा है, और अभी तो जहाँ तक इन्हें टाइम लगेगा, एक घंटा तो मान के चलो अभी इन्हें लगेगा ही लगेगा। आप लोग क्या कर रहे हैं इस टाइम, कमेंट करके ज़रूर बताना, जब आप लोग देख रहे हैं तो क्या कर रहे हैं। और हाँ, मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कौन सा सूट स्टिच करना है, वो निकाल अब यार सबसे नीचे रखा है, क्योंकि मैंने सारे अन स्टिच सूट इधर की साइड लगा दिए ना, ये सारे स्टिच हैं इधर, ऊपर जैकेट रखी है मेरी, रुको मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ एक सेकेंड। निकाल लिया है मैंने, ये वाला स्टिच करूँगी, ये वाला सूट स्टिच करूँगी, ये इसका दुपट्टा है, ये मैंने आपको दिखाया हुआ है, जिन्होंने मेरे मतलब जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं ना उन्होंने देख रखा होगा कि मायके से मुझे क्या क्या मिला मैंने, तो ये मम्मी ने ही दिलाया था मुझे सूट, ये वही है, मैंने स्टिच नहीं किया था। तो ये इसका दुपट्टा है, मैंने दिखा रखा है पूरा इसी तरीके से, और इसमें एक गोटा लगा हुआ है इस तरीके से चारों तरफ, ये इसकी सलवार है और सूट इस तरीके से है, दिखाती हूँ। ये इसका नेक है, फ्रंट में तो नेक बना हुआ है, बैक में बनाना पड़ेगा, 3 मीटर इसमें सलवार लिखी हुई है, 3 मीटर की है, ये पूरा प्लेन है, बस नेक पर ये डिज़ाइन है, और नीचे लास्ट में इस तरीके से बॉर्डर बना हुआ है इसका लेस लग के, और इस पर सीक्वेंस हैं, छोटे छोटे सीक्वेंस हैं, और सिलाई कर रखी है, चिपके नहीं हुए, क्योंकि अगर चिपके हुए होते हैं ना, रुको एक सेकंड देख लूँ चिपके हुए हैं कि सिलाई की हुई है, नहीं 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 यार कंफ्यूजिंग है ये, तो देखने में लग रहा है सिले हुए हैं और वैसे लग रहा है चिपके हुए हैं, चलो जो भी है देखा जाएगा। तो इस तरीके से तो ये स्टिच करना है मुझे, हाय राम मेरे सूट में लग गया, बटन इसके चिपके हुए हैं क्या, हाँ बटन इसके ना ये वाले बटन जो है ना ये चिपके हुए हैं। तो कैसा लगा आपको व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना। ये सोचा था आज मैं कट करने की सोची थी मैंने दिन में, पर जब मैं दिन में इसको कट करने की सोच रही थी तो मैंने जैसे कि बताया अचानक से बादल हो गए थे तो मैंने नहीं किया, फिर उसके बाद मैं दूसरे कामों में लग गई थी, जैसे प्रेस करना इन सब कामों में लग गई थी, प्रेस नहीं नहीं प्रेस तो मैंने सुबह भी करी थी, पर मुझे ना जो आज कपड़े वॉश किए थे उन पर भी प्रेस करने थे, तो बाकी कपड़े तो मैंने लगा दिए, जो ब्रेस के कपड़े हैं थोड़े से ही हैं वो मैंने चेयर पर रखे हैं, मेरी स्वेटर रखी है ऊपर नीचे हुए हैं, तो बस वही कपड़े हैं प्रेस के, बाकी तो मैंने करके रख ही दिए थे।
अब बस यही है। तो कैसा लगा आपको आज का व्लॉग कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक करने में कमेंट्स करने में कोई कंजूसी मत कीजिएगा। वीडियो को आप एक से ज़्यादा बार शेयर कर सकते हैं, मतलब वीडियो को तो आप जितना मर्जी शेयर कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कीजिए। और बस हाँ, तो अपना सपोर्ट इस तरीके से बनाए रखिए। कल मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, नई होप नई आशा, नई उमंग और नई जर्नी के साथ। आँखों में ना नींद भरी हुई है, नींद आ रही है, क्योंकि यार सुबह 4 बजे की उठती हूँ ना तो नींद आने लगती है इस टाइम तक मुझे, तो बस आँखें ना बंद हुए जा रही है तो नींद आ रही है। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय माता दी।